हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम इन महाजन कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी यवतमाल आई एम प्रोफेसर नरेंद्र पंडित एंड टुडे वी आर लुकिंग योर बीकॉम पार्ट थर्ड फिफ्थ सेमिस्टर्स इंग्लिश कंपलसरी पोएम कंपलसरी इंग्लिश पोएम दैट इज लव्स फिलोसॉफी रिटन बाय पी बी शैली तो इस वीडियो में हम इस पोएट के पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ओके कमिंग स्टार्टिंग विथ पोएट इंट्रोडक्शन अबाउट पी बी शैली ही वॉज बोर्न टू अ वेल्दी अपर क्लास फैमिली इनका जन्म सधन कुटुंब में हुआ है अपर कास्ट फैमिली में हुआ है अपर क्लास फैमिली में हुआ है प्रेसी सेली पीबी सेली इन शॉर्ट इनका जन्म सत्रह सो में और मृत्यु अठारह में हुई है डिस्टेटेड टायरनी एंड इन इनसिचुएशनलाइज सर्ववाइटूड ही वॉज एक्सप्लोर्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर पब्लिशिंग अ ट्रैक्ड एंड टाइटल द सेसिटी ऑफ अथेइजम कन्वर्स इंग्लिश सोसाइटी अनेबल टू टॉलरेट हिज रेडी कैलिज्म फोर्स हिम टू लीव इंग्लैंड परमानेंटली इन 1880. देखो तो इनके जो कुछ भी खुद के जो उसूल थे इंग्लिश सोसाइटी के प्रति ंग्लैंड परमानेंटली इनको इंग्लैंड छोड़ना पड़ा है अठारह सो अठारह में परमानेंटली उनको इंग्लैंड छोड़ना पड़ा है इन इन हिज शॉर्ट टाइम लाइफ सेली अचीव्ड द डिस्टिंगशन ऑफ बींग अजर रोमेंटिक पोइट उनका जो कुछ भी शॉर्ट लाइम पीरियड हुआ है शॉर्ट लाइम यानी कितना बहुत ही कम उनको लाइफ मिला है आ, वो सत्रह सौ से लेकर अठारह सौ बाईस तक यानी उनको लगभग तीस साल का जीवन मिला है इनको तो उनके तीस साल के जीवन में ये इतने बड़े पॉपुलर हुआ है कि रोमांटिक पोएट जो है उनके रेंज में ये आ चुके हैं, जैसे रोमांटिक पोए जैसे विलियम वर्सवर्थ एस टी कोलरीज इनके कैटेगरी में ये आ चुके हैं। ओके हिज पोएट्री शोज रिमार्केबली फाइन ब्लेंडिंग ऑफ आइडियलिस्टिक मैसेज इनका पोएट क्या पोएम क्या करती है आइडियलिस्टिक मैसेज सेंड करती है प्रेसिजम ऑफ इमेजरी एंड कैप्टिवेटिंग मेलोडी एंड एक्सप्रेस हिज आई डेथ इन द परफेक्टिपैलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड देखो इमेजरी इमेजिनेशन इनके पोयम में बहुत ही मायने रखता है मेलोडी भी उसके साथ साथ फेथ एंड परफेक्शनिटी ऑफ मैन काइंड ये इनके पोएम के थीम्स है अ मास्टर ऑफ लिरिक पोएट्री लिरिक पोएट है ये मास्टर है उन लिरिक पोएटरी के सेल इज अनफेलिंगली म्यूजिकल हिज पोएटिक जीनियस इज क्लियरली विजिबल इन लिरिक लाइक ओ टू द वेस्ट विंड देखो उनके जो पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड ये एक लिरिकल पोएम है क्लियरली उनका जो पोएटिक जीनियस है इनसे इसमें से दिखाई पड़ता है कि ये कितने लिरिकल पोएट है टू दायलॉग ये भी पोएम उनकी बहुत ही अच्छा है ओजमोंडियस जो किंग ऑफ ओजमोडियस नाम की इनकी जो पोएम है ये भी पोएम बहुत ही क्या लिरिकल पोएम है गा सकते हैं हम उन, उन पोएम को द क्लाउड एंड द स्टांजाज रिटर्न इन डिज्जक्शन नियर नेपाल देखो डिज्जक्शन ओड इनका है ये इसके भी स्टांजाज बहुत ही हम ऐसे सुर में गा सकते हैं मेलोडियस गा सकते हैं लिरिकल पोएम्स है तो ये इनका छोटा सा शॉर्ट लाइफ पीरियड है देखते हैं के पोएम के बारे में टूडेज पोएम लवस फिलोसॉफी क्या है लव्स फिलोसॉफी हैज सिंप्लिसिटी एंड लिरिकल क्वालिटी दैट इंस्टेंटली अपील्स टू द रीडर्स देखो सिंप्लिसिटी है लिरिकल क्वालिटी है इसमें इन वेरी सिंपल टर्म्स एंड थ्रो कॉमन प्लेस इमेजेस देखो इसमें कॉमन प्लेस इमेजेस है सिंपल टर्म्स है थॉट्स भी सिंपल से द पोएट कैप्चर्स मेनी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लव्स देखो लव्स के बहुत सारे मेनी टर्म्स यानी कैप्चर करते हैं रिप्रेजेंटेशंस कहाँ लव्स होता है किस तरह से लव्स होता है द स्पीकर टॉक्स टॉक्स अबाउट हाउ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मीट्स एंड इंटरेक्ट्स विथ वन देखो किस तरह से हर चीज हर जगह हर न, कोई इसको भाती है या फिर वहां पे किस तरह से यूनिवर्स मिट होता है वन ऑन अदर एक दूसरे से मिलने के लिए हर जगह क्या है खूबसूरत है द रिवर्स मिक्स विथ द ओशियंस देखो रिवर्स क्या है किसमें मिक्स होती है ओशियंस में नदी किसमें समंदर में जाके मिलते दैट इज द रोमांटिक दैट इज द लव्स प्लेस सनलाइट इनवलवस द अर्थ देखो सनलाइट क्या करता है किसको कवर करता है अर्थ को कवर करता है इनलव करता है देखो ये भी लवस फिलोसॉफी है एंड ऑल ऑफ नेचर इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग और अनदर देखो सभी नेचर क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है हर चीज एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है ये यही लव है दैट इज द लव ऑफ फिलोसॉफी देर फॉर द स्पीकर वाई शुड ही एंड हीज अपार्ट तो यहां पे स्पीकर यानी पोएट कह रहे हैं कि अगर हर कोई एक दूसरे के बिना नहीं है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो फिर दो लवर्स है दो वो क्यों एक दूसरे के बिना जिएंगे या फिर वो क्यों जी रहे हैं एक दूसरे के बिना वाई दे आर अपार्ट अलग क्यों है वो उनको एक होना चाहिए इस तरह से उनकी लव्स फिलासॉफी है किस तरह से पोएम में इसको पिरोया है इन्होंने किस तरह से पोएम्स क्या किस तरह से जाती है या फिर लव्स फिलोसॉफी किस तरह से हमें पसंद आती है या फिर किस तरह से हमें वो समझ में आती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लाइन बाय लाइन इस मुहिम के हम देखेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच